हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं किस सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के एक पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स 2022 के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। यह जो फ्रेंड्स आज का पेपर है, ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो फ्रेंड्स आप इन्हें कह सकते हैं कि काफ़ी बार पहले सोचा भी होगा और काफ़ी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे भी होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भली भांति जानते भी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप सभी को ये पता है कि क्या इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में आ रहे हैं, खासकर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और कह सकते हैं कि जहां जहां पर जो सेमेस्टर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी छात्रों से मेरा खासकर अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और इसके हर एक पॉइंट को, इसके हर एक तत्व को या इसके हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान से आसान भाषा में मैं आप सभी को समझाऊंगा और उसे आप लोग समझने का प्रयास भी करना। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप ही देख सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 22 एंड उसके जस्ट नीचे लिखा गया है नई शिक्षा नीति 2020। ये फ्रेंड्स आप ही देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का फ्रेंड्स पेपर है। और जो आशा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि जो फ्रेंड्स केमिस्ट्री है, इसका फ्रेंड्स किसने की इस बुक का क्या नाम था फ्रेंड्स केमिस्ट्री की, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बुक का फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। या फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो फ्रेंड्स बुक था उसका क्या नाम था, तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री था। और जो फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री का पेपर है, इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम लोग को फ्रेंड्स कितना टाइमिंग ड्यूरेशन मिला था, तो 3 आवर्स यानी फ्रेंड्स 3 घंटे का टाइम भी मिला था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इसके लिए जो फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स बनाया गया था, जो फ्रेंड्स अधिकतम पूर्णांक बनाया गया था, वो फ्रेंड्स कितने अंक का बनाया गया था फ्रेंड्स, तो 75 मार्क्स का, यानी कह सकते हैं कि 75 अंक का। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 घंटे टाइमिंग मिली है और 75 नंबर का फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसका पूर्णांक है। तो आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, या फ्रेंड्स इसके कुछ नोट दिए गए हैं, कुछ फ्रेंड्स निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कह सकते हैं कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी फ्रेंड्स सभी आप सभी को आगे अब सेक्शन मिलेंगे और उस सेक्शन में, हर एक सेक्शन में आप सभी को फ्रेंड्स कुछ ना कुछ निर्देश दिए जाएंगे और उसी निर्देश के अनुसार ही आप सभी को फ्रेंड्स उनके आंसर का फ्रेंड्स क्या करना है, तो निर्वहन करना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर जो ए है, यानी फ्रेंड जो खंड आ है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है और आगे का फ्रेंड्स पूछना क्या क्या चाहते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया है और इसके जस्ट फ्रेंड्स नीचे लिखा गया कुछ नोट पॉइंट में, फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही सरल से सरल भाषा में आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करके बताऊंगा या बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा कि जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न नंबर एक के अंतर्गत मिलने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर आप सभी को फ्रेंड्स लिखना है वो लगभग कितने शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में लिखना है, या फ्रेंड्स कितने शब्दों में, तो 50 वर्ड्स में लिखना है। तो अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट देखते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, या फ्रेंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कितने सारे मिनी क्वेश्चन हम सभी को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम इसे देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा ए नंबर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कह सकते हैं कि परिचालन निकाय क्या होता है। मैंने फ्रेंड्स आप ही को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि परिचालन निकाय क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में मैंने आप सभी को फ्रेंड्स काफी कुछ वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया है। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप भी इस पेपर को 110% जानते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूछ लिए गए थे, बहुत ही आसान से आसान क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो आप लोग ध्यान देना कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फ्रेंड्स परिचालन निकाय क्या होता है, इससे आप सभी क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कसते हैं फ्रेंड्स क्या करना है, इसको फ्रेंड्स कसते हैं कि इसे स्पष्ट करना है और कितने शब्दों में फ्रेंड्स इसे स्पष्ट करना है, तो 50 शब्दों में। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम और भी देख लेते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा बी यानी फ्रेंड दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। ये फ्रेंड्स आप सभी को एक क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेना, मोबाइल को थोड़ा बहुत आप घुमा लेना, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन को फुल स्क्रीन कर लेना, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई भी देगा।
तो फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा बी नंबर का फ्रेंड दूसरा मिनी क्वेश्चन है कि डी अपॉन डी एक्स ई एंड साइन एक्स इक्वल टू कर सकते कि क्वेश्चन मार्क जस्ट फ्रेंड्स वही लिखा गया है नीचे भी। तो जस्ट फ्रेंड्स इसको आप सभी को वैल्यू बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर का फ्रेंड्स मिनी क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सी नंबर या फ्रेंड्स उसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा तीसरा भी मिनी क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान देना, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा कि ड्रा चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी एवं नाव कन्फर्मेशन को प्रदर्शित कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी और जो फ्रेंड्स नाव कन्फर्मेशन होते हैं इनको फ्रेंड्स हम सभी किस प्रकार से डोनेट करते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स इनका हम चित्र अंकित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भली भांति जानते होंगे। तो फ्रेंड्स जो चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का, उसके बारे में आप सभी को क्या करना फ्रेंड्स, तो ड्रा करना है फ्रेंड्स उसको, फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है तो डिनोट करना है यानी प्रदर्शित करना है। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर मिनी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर मिनी क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर मिनी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्मेशन, यानी कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन और कंफर्मेशन में या फ्रेंड्स इन दोनों में काफी आप लोग ध्यान देना, दोनों फ्रेंड्स सेम मिलते जुलते हैं या फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्मेशन। तो जो फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों है कॉन्फ़िगरेशन और कंफर्मेशन, इन दोनों में फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो विभेद करना है या फ्रेंड्स अंतर स्पष्ट करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है और काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और साथ ही साथ फ्रेंड्स काफी सारे रेजोनेंस के एग्जांपल ही आप सभी को समझा दिए हैं। तो इनसे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है जो पांचवा मेरा क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी, यानी कह सकते हैं कि अनुनाद ऊर्जा को या फ्रेंड्स अनुनाद जो ऊर्जा होती है इससे फ्रेंड्स आप क्या जानते हैं उनके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना फ्रेंड्स तो परिभाषित करना है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पीड में आप सभी को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिससे फ्रेंड्स आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सीख पाए और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप एक कमेंट कर दें प्लीज। आप सभी का फ्रेंड्स एक कमेंट काफी वैल्यूएशन हम लोगों के लिए लगता है, तो प्लीज आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि क्या फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए या अभी फर्स्ट ही चलना चाहिए। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे फ्रेंड ठीक उसी प्रकार आप को वीडियो मिल देंगे। तो प्लीज आप लोग का कमेंट बहुत ज्यादा मस्ट है, तो आप लोग प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करते रहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन था कि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, इससे आपसे क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना था। उसके बाद फ्रेंड्स छठवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कायरलिटी, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की कायरलिटी जो होती है फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को क्या जानते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स इनको बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करना कि डिफाइन कायरलिटी जो फ्रेंड्स कायरलिटी होती है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना है तो डिफाइन करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी समझने का प्रयास करना कि व्हाट इज हेट्रोलाइटिक फिशन, यानी कह सकते हैं कि विषम विदलन, आपके फ्रेंड्स सम विदलन के बारे में और विषम विदलन के बारे में दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो जो फ्रेंड्स विषम विदलन होता है इससे आप सभी क्या जानते हैं, इससे आप सभी क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को ये फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन मेजो कंपाउंड, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मेजो कंपाउंड होते हैं, जो फ्रेंड्स मेजो यौगिक होते हैं इनको फ्रेंड्स आप लोग आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना तो डिफाइन करना है या फ्रेंड परिभाषित करना। तो ये फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा अगला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप सभी क्या समझते हैं, आप सभी क्या जानते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते फ्रेंड्स अभी और भी सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा लास्ट दसवां नंबर क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान देना कि पहले नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत ये फ्रेंड्स हमारा दसवां मिनी क्वेश्चन है कि डिराइव शेप ऑफ एस एफ सिक्स। मैं थोड़ा सा इसे अप कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से दिखाई दे कि डेराइव शेप्स ऑफ एस एफ सिक्स विथ द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी कह सकते हैं कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी की सहायता से या फ्रेंड्स इसके हेल्प से आप ही को जो फ्रेंड्स एस एफ सिक्स कह सकते हैं फ्रेंड्स जो शेप होता है या तो फ्रेंड्स एस एफ सिक्स की आप ही को फ्रेंड्स क्या करना है आकृति को फ्रेंड्स क्या करना है तो डिफाइन करना है, कैसे फ्रेंड्स उसे ड्रा करना है। तो ये फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो वेस्पर थ्योरी होती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर, सॉरी फ्रेंड्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी होती है इसके
सहायता से जो फ्रेंड्स SF6 होता है इसके फ्रेंड्स आप को क्या करना है फ्रेंड्स, ड्रा को बनाना है फ्रेंड्स, इसके चित्र को बनाना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहले नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन हो गया। या फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आप को 10 क्वेश्चन बहुत ही स्पीड के साथ बताए हैं। ऐसा करो तो फ्रेंड्स काफी हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी फ्रेंड्स समझ में आएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग स्पीड में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और ये फ्रेंड्स आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग सेटिंग पर कहते हैं कि इस वीडियो पर क्लिक करना, जिस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में फ्रेंड्स आपको ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर फ्रेंड्स आप लोग क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे जब उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एक प्लेबैक स्पीड का फ्रेंड्स ऑप्शन आता है, आप उसे करने के अपने अनुसार फ्रेंड्स स्लो भी कर सकते हैं और वीडियो को तेज भी कर सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेक्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स खंड बा स्टार्ट हो जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट इसे भी समझ लेते हैं कि क्या क्या फ्रेंड्स खंड बा के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या समझना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स सेक्शन बी स्टार्ट हो जा रहा है इसके नीचे जो फ्रेंड्स लिखा गया है कि नोट के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कह सकते हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आपसी को उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो फ्रेंड्स कहने के उत्तर आपको लिखना है वो फ्रेंड्स कितने शब्दों में लिखना है, तो 200 शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स मार्क करते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के अंतर्गत तो फ्रेंड्स 10 मिनट क्वेश्चन आपको मिले ही मिले। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप ही को समझाऊंगा, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो फ्रेंड्स कार्बोकैटायन के जो फ्रेंड्स स्टेबिलिटी होती है, जो फ्रेंड्स उनके अस्थायित्व होते हैं, किस प्रकार से फ्रेंड्स अस्थायित्व होते हैं उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो टिप्पणी करना है या कैसे फ्रेंड्स एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो कार्बोकैटायन होते हैं इनके अस्थायित्व पर या फिर इनके स्टेबिलिटी पर आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो टिप्पणी करना है या कैसे फ्रेंड्स की अनुवाद करना है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी जरूर से जरूर जानते होंगे कि वांडर वाल्स फोर्स आखिरकार क्या होती है। यानी कह सकते हैं कि डिस्कस वांडर वाल्स फोर्स, यानी कह सकते हैं कि जो वांडर वाल्स फोर्स होते हैं इन पर फ्रेंड्स आपको डिस्कस करना है या फिर इन पर आपको चर्चा करना है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको लंदन फोर्स के बारे में, वांडर वाल्स फोर्स के बारे में और आज उसके बाद फ्रेंड्स आयन आयन फोर्स के बारे में, आयन डाइपोल फोर्स के बारे में, हर एक फोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया था और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी जानते भी होंगे। तो फ्रेंड्स वांडर वाल्स फोर्स होता है इससे आप सभी क्या जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी आपको डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2। यानी कह सकते हैं कि B2 के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख को फ्रेंड्स आप ही को फ्रेंड्स क्या करना है, तो प्रदर्शित करना है या फ्रेंड्स कहते हैं कि खींचना है। यानी जो फ्रेंड्स B2 होता है इसके जो फ्रेंड्स आणविक कक्षक होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स ऊर्जा आरेख होती है उन्हीं को फ्रेंड्स आप ही को क्या करना है, तो ड्रा करना है या फ्रेंड्स कहते हैं कि अंकित करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। काफी फ्रेंड्स सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस स्लेटर रूल्स, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स स्लेटर जी का नियम था इससे आपसे क्या जानते हैं, इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करना था। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि राइट अबाउट पाउलिंग स्केल। जो फ्रेंड्स पाउलिंग स्केल होती है इसके बारे में आपसे क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको क्या समझ में आता है, उन सभी पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आप लोग ध्यान देना फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए। ये फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना कि आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में, फ्रेंड्स कहां पर, तो आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा को फ्रेंड्स, आयनिक ऊर्जा के जो फ्रेंड्स चेंजेस होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को फ्रेंड्स क्या करना है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो डिफाइन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना कि व्हाट इज डी एंड एल
एंड आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कह सकते हैं कि डी एंड एल एवं आर एंड एस नामांकन जो फ्रेंड्स व्यवस्था होती है इससे आपसी क्या जानते हैं। फिर जो डी एंड एल और जो फ्रेंड्स आर एंड एस जो फ्रेंड्स सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, इससे आपसी क्या जानते हैं, इनके बारे में आपको फ्रेंड्स क्या पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे सेक्शन नंबर बी में फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर भी जानती होंगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिल्स एंड न्यूक्लियोफिल्स, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही क्या होती है। फ्रेंड्स काफी सिंपल से क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी क्वेश्चन में आ भी गया, क्योंकि फ्रेंड्स इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं और नाभिक स्नेही कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनके नाम में फ्रेंड्स इनका कहते हैं कि परिभाषा या फ्रेंड्स इनका आंसर लिखा हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे 9 क्वेश्चन थे, तो आपको फ्रेंड्स सेक्शन ए में फ्रेंड्स केवल फर्स्ट ही यानी फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन मिले और उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन नंबर बी में आपको कैसे फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन मिले और उन 8ों क्वेश्चन फ्रेंड्स कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपको केवल 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने थे और सभी प्रश्नों के उत्तर जो फ्रेंड्स आपको कितने शब्दों में देने हैं, तो कम से कम फ्रेंड 200 शब्दों में देने हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेक्शन नंबर सी भी स्टार्ट हो जा रहा है, इसी कारण से फ्रेंड्स मैं आपको तेज पढ़ा रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड टाइमिंग है वो फ्रेंड्स अभी ही 15 मिनट हो चुका है, तो इसका फ्रेंड्स हम सेक्शन सी नंबर सी भी फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लीज आज आपने फ्रेंड्स वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि लगातार फ्रेंड्स कितना ज्यादा बोलना रहता है आपसे, फ्रेंड्स केवल सुनते होंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स कि सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं या आपके को काफी सारी दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना फुल ऑफ फुल कॉन्फिडेंस जितना मैं 100 पे 100 फ्रेंड्स लगाने का प्रयास करता हूं और उसी तरीके से मैं फ्रेंड्स आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं और आपकी फ्रेंड्स कृपा से इस बार कैसे फ्रेंड्स जो चैनल है आपकी का परिवार है कैसे फ्रेंड्स आपकी का जो चैनल है वो फ्रेंड्स काफी तेजी से बूस्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अपना फ्रेंड्स आशीर्वाद या अपना कैसे फ्रेंड्स सहयोग ऐसे बनाए रखना आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा तरीके से फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से सेकंड सेमेस्टर की थर्ड सेमेस्टर की और बीएससी की हर एक सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से कराई भी जाएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेक्शन नंबर सी आकर के फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसके इनसे अंतर्गत आपको क्या समझना है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि सेक्शन नंबर सी के अंतर्गत यहाँ पर खंड सा के अंतर्गत आपको फ्रेंड्स बताया जा रहा है नोट के कुछ पॉइंट में कि अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कह सकते हैं कि किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है जिसमें से फ्रेंड्स जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको फ्रेंड्स कितने शब्दों में देना है, तो 500 शब्दों में देना है, यानी फ्रेंड्स कम से कम 3 या 4 पेज के आसपास आपको इसका आंसर लिखना है। तो आपसे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना कि राइट ए नोट ऑन कार्बाइन्स, यानी कह सकते हैं कि कार्बाइन पर आपको फ्रेंड्स एक टिप्पणी करना है या फिर इस पे आपको फ्रेंड्स एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि राइट ए नोट ऑन कार्बाइन्स, यानी कार्बाइन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल, यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए एवं इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो बताना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया या फ्रेंड्स ये काफी सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको एक ही बार में समझ में आ रहे होंगे, जो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन होते हैं उन्हें फ्रेंड्स बार बार दोहराने से कोई फायदा तो है नहीं, तो इसका फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे कि डिस्कस जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिमेस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सिम्स होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स जियोमेट्री समावयवता होती है, कहते हैं कि जो ज्यामितीय समावयवता होती है जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, अच्छे तरीके से आपको उनके बारे में चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया कि जो ऑक्सिम की ज्यामितीय संरचना है जो फ्रेंड्स ज्यामितीय समावयवता है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से को फ्रेंड्स इसको समझाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो का मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस हाइपर कंजुगेशन, यानी कह सकते हैं कि अतिसंयुग्मन क्या होता है, इससे आप सभी क्या जानते हैं, इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेंड्स अभी लास्ट में बहुत ही जल्द कम से कम 5 दिन पहले फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कराया आपके फ्रेंड्स कमेंट के अनुसार, तो फ्रेंड्स काफी सिंपल से क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो आज का ये पेपर है वो फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा।
तो ये फ्रेंड्स आपकी को वीडियो थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा हो और फ्रेंड थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे इसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को 10 मिनट से अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स अंकित लेक्चरार चैनल को व बीएससी क्लासेस चैनल को दोनों चैनल को आप लोग कसने की परमानेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अंतर्गत फ्रेंड जितने भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे प्रॉपर लेते रहें और हर एक बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आज ये छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, मैं आपसे फ्रेंड्स हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसी को फ्रेंड्स किस सेमेस्टर की तैयारी अभी भी कराई जाए क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम लगभग कुछ जगहों पर कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म ही हो गए हैं। फ्रेंड्स एक या दो जगह भी बाकी हैं जहां फ्रेंड्स एग्जाम नहीं हुए, नहीं तो फ्रेंड्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट कर देना क्योंकि फ्रेंड्स मैं कमेंट के अनुसार आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स जो अभी जिनका फ्रेंड्स हुआ भी नहीं है तो फ्रेंड्स उनको भी छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स वो लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं, अपने परिवार से जुड़े रहे हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट समय में फ्रेंड्स हम उनको छोड़ देते हैं तो हो सकता है फ्रेंड्स उनके लिए काफी दिक्कत हो जाए। और फ्रेंड्स आपको सेकंड सेमेस्टर तो मैं हर हाल में कवर ही कवर कर लूंगा, उसमें तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं। इसी का फ्रेंड्स दो दो चैनल बने हैं तो दोनों चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।